Hello, my dear students. Hope you all are well. So, today uh, one topic which was left for the electric field that I am going to cover first of all, and then in our next lecture we will discuss about the electric flux that is our very interesting and very important topic, okay. So, today I am going to discuss first of all that electric field intensity on the axis of at any point, at any point on the axis of uniformly charged circular ring, okay so what is our topic that is electric field intensity electric field intensity which will be represented by capital e electric field intensity at any point on the x's of x's of uniformly यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ओके वॉट इज अर टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी हैव टू मेजर और कहां पर निकालनी है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी भी एक पॉइंट पर कहा एक्सिस पर किसकी एक्सेस पर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की एक्सिस पर ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू कंसिडर वन रिंग विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज ओके ये एक रिंग है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है पॉजिटिव चार्ज आई एम गोइंग टू कंसिडर ऑन इट यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ओके एंड वट आई एम टेकिंग वट आई एम टेकिंग आई एम टेकिंग द रेडियस ऑफ दिस रिंग इज सपोज एके रेडियस ऑफ द रिंग इज सपोज ए एंड पी इज दैट पॉइंट ये पी इसकी एक्सेस पर वो पॉइंट है इसकी एक्सिस पर वो एक्सिस जो इसके सेंटर से होके जा रही है इसकी एक्सिस पर वो पॉइंट है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है रखा हुआ है ठीक है ओके okay. तो सपोज सेंटर इज ओ एंड इस पी तक की जो डिस्टेंस है हमारी दिस डिस्टेंस इज सपोज आर स्मॉल आर ठीक है यूजली हम आर ए यही हम यूज करते हैं ओके okay? और मैंने एक डिस्टेंस ले ली कहां से सेंटर से ठीक है जी तो अब आपको करना क्या है आपको इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो यू नो दैट किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो सबसे पहले उस पॉइंट की डिस्टेंस उस जगह से आपको पता होनी चाहिए ओके आपको आपको कहाँ से कि, कि, किसकी वजह से निकालनी है यूनिफॉर्मली चार रिंग की वजह से तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले ऐसे केसेस में जब आपके पास एक यूनिफॉर्म रिंग हो रिंग का केस हो तो हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं सपोज मैं एक एलिमेंट कंसिडर कर रही हूँ एलिमेंट ए बी ये छोटा सा एलिमेंट ए बी है और जिसकी लेंथ जो मैंने ले ली डीएल एल लेंथ ले, ले ली इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं ठीक है फिर ऐसे ही छोटे 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 बहुत सारे एलिमेंट्स ले लेंगे और सबको सम कर देंगे वी विल गेट दैट व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी बात समझ में आई ठीक है तो सबसे पहले मैं क्या कर रही एक पॉइंट लिया मैंने एक एक नहीं। एक पॉइंट एलिमेंट लिया है तो एक एलिमेंट की वजह से अब इस एलिमेंट से लेकर के कराने की जरूरत तो नहीं है राइट right? तो सिंपल आर स्क्वायर प्लस ऑफ ए दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई अब छोटे से से एलिमेंट की वजह है, तो हम छोटा छोटा सा फील्ड लिखेंगे -E, है ना? जब एलिमेंट तो 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 -E तो ऐसे ही ये भी हमारा क्या बना रहा होगा भाई थीटा एंगल बना रहा होगा समझ में आ गई बात ठीक है ओके ना अब ये डी इधर -E जा रहा है ये एक डीई -E है और ये थीटा एंगल बना रहा है, के साथ. है? कैसी होती है, भाई? होती है तो क्या करेंगे हम इसको तोड़ सकते हैं कंपोनेंट में वेक्टर वेक्टर के कंपोनेंट तोड़ने आपने इलेवंथ क्लास में सीखे हैं दो कंपोनेंट कॉस थीटा साइन थीटा वाला राइट तो यहां पर मैं ले रही हूं इसको बेटा कंपोनेंट ले लिया मैंने डी ई डी कॉस थीटा वेयर विल बी द साइन थीटा इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर तो ये होगा आपका DE ई थीटा समझ में आ गई बात ठीक है ठीक है जी क्लियर हुआ ओके सिमिलरली सिमिलरली ये आप बस फिगर समझ लीजिए पूरा खेल फिगर के अंदर ही है सब कुछ फिगर के अंदर ही आपको समझ में आने वाला है ये डायग्राम समझ में आ गया बाकी पूरा हो गया बाकी कुछ नहीं है उसमें अब अगर एग्जैक्टली exactly ऐसे ही ये एक डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट में यहाँ पर कंसिडर कर लू मैंने एक छोटा सा एलिमेंट और ले लिया यहाँ पर ए डैश बी डैश ठीक है जो इसकी लेंथ है वो भी हमारी सपोज डीएल ही है ठीक है अब इसकी वजह से जो फील्ड निकलेगा वो ये डायरेक्शन में होगा यही होगा ठीक है इसकी वजह से निकलने वाला फील्ड हमारा

ये थीटा है तो ये भी थीटा यहां पर क्या हो जाएगा एक और डीई जाएगा और यहां पर क्या होगा एक और थीटा आ जाएगा राइट और डी साइन थी और ऑपोजिट डायरेक्शन है बेसिकली तो क्या कर सकते हैं हम इनको कैंसिल कर सकते हैं राइट तो अल्टीमेटली आपका अगर डी ई साइन थीटा का समेशन लें तो डीई साइन थीटा विल बी इक्वल टू जीरो बात समझ रहे हैं जैसे मैंने ये एक लिया इसके सामने ये लिया अगर मैं यहां लूँ, इसके सामने यहां लूँ, यहां लूँ, इसके सामने तो डायमेट्रिकल ऑपोजिट जैसे जैसे हम लेते जाएंगे हमारे उसके सारे साइन कंपोनेंट कैंसिल होते जाएंगे बचेगा कौन वॉट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ये आपके सामने मैंने एक पॉइंट लिया है देखिएगा ये एक मैंने पॉइंट लिया P और इसके सामने ये मैंने यहां पर इसको मैंने P से रिप्रेजेंट किया विजिबल है ना तो यहां पर मैं सपोज ले रही हूं Q ले लेते हैं Q तो पी क्यू पी क्यू इज द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट तो पी क्यू इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड नेट फील्ड हमारा किस डायरेक्शन में होगा भाई pq के फील्ड में pq के डायरेक्शन में तो हमारे पास de नेट कितना आ गया नेट कितना आ गया भाई समेशन ऑफ क्या करना है आपको de कॉस थीटा सारे de 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 हमारे सब कहां जाएंगे एक ही डायरेक्शन में तो de कॉस थीटा नाउ अब हमें करना क्या है हमारा जो अब टास्क है नॉट de कंप्लीट e, e निकलेगा यहां से तो अब जो हमारा टास्क है अब हमारा टास्क है का पता लगा लें और थीटा का पता लगा लें दोनों की वैल्यू पुट कर दें समेशन हो जाए आंसर आ जाएगा ठीक है ओके चलिए अब बताइए डीई कैसे निकालें फिगर आपके सामने है बिल्कुल क्लियर है आपको फिगर राइट अब इस डीई को कैसे निकाला जाए ये हमने सोचना है ये समझ में आया सभी को डीई साइन थीटा जीरो कैसे हो गया अब डीई कॉस्ट थीटा का समेशन करना है और हमें नेट फील्ड पता चल जाएगा अब पता लगाना है हमें डीई उस स्मॉल फील्ड का आपको ध्यान है बेटा जब भी हम किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से या कभी भी एक पॉइंट सॉरी चार्ज की वजह से चार्ज की वजह से जब हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हमारा फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर रिमेंबर के क्यू बाय आर स्क्वायर तो यहां से अगर मैं लूं तो के समझ में आ रहा है क्यू वॉट क्यू वी विल टेक इस डीएल लेंथ के अंदर कितना क्यू है वही तो हमें लेना है उस छोटे से लेंथ के अंदर कितना क्यू है दैट क्यू वी हैव टू कंसीडर तो अब देखिए वो क्यू आप कैसे लेंगे यहां से अब हम कर रहे हैं ध्यान से देखिए चलिए अब मैं लिख रही हूं हमारा जो नेट फील्ड है नेट फील्ड हमारा ई e, जो होगा दैट इज समेशन ऑफ ई कॉस थीटा चलिए अब हमें डीई निकालना है अब डीई निकालने के लिए फॉर डी ई चार्ज विल बी डी क्यू विच इज प्रेजेंट प्रेजेंट इन ए बी एलिमेंट जो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया था इसके अंदर हो गए अब एक बात बताइए पूरी रिंग है टू पाई ए इसका सरकम थे टू पाई ए के अंदर मैं मान रही हूं टोटल इस रिंग के ऊपर क्यों चार्ज है तो हमारे पास वन में हुआ q बाई टू पी टू पाई ए एंड मुझे देखना है किसमें छोटी सी लेंथ dl के अंदर dl के अंदर कितना होगा मल्टीप्लाई बाय dl तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी भाई dq की वैल्यू आ गई बात समझ लो दिस इज dq दिस इज दैट पर्टिकुलर चार्ज दिस इज दैट dq चार्ज ड्यू टू विच वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट p समझ में आ गई बात ठीक है P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से है इस DL एलिमेंट की वजह से इस DL एलिमेंट में कितना चार्ज है DQ चार्ज है वो DQ चार्ज की वैल्यू हमने यहां निकाल ली ठीक है चलिए अब हम DE लिखते हैं DE DE विल बी इक्वल टू डी क्यू अपॉन फोर पाई एप्सल नॉट आर स्क्वायर आर स्क्वायर वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ आर ये ये वैल्यू है आर की ये वैल्यू अब देखिए यहां ये आर नहीं लेना आपको ठीक है हमें इसके और इसके बीच की डिस्टेंस लेनी है आर स्क्वायर तो व्हाट आई शुड राइट आर स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट है उसका स्क्वायर हो गया कैंसिल हो गया आपके पास ये वैल्यू होगी डी की वैल्यू होगा डीई आपको पता चल गया चलिए अब उठा करके डीई e तो हमें पुट करना ही करना है यहां पर साथ में मुझे क्या चाहिए थीटा चाहिए थीटा निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल से इजीली निकाल सकते हैं कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड थीटा थीटा आप निकालिए इस ट्रायंगल का बेस कौन है आर और हाइपोटेन्यूज कौन है ये रहा तो आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर आ गया थीटा भी चलिए उठाइए अब इन दोनों को उठा करके इस इक्वेशन में पुट करिए और ई निकाल दीजिए डन कुछ हुआ कुछ भी नहीं है इसके अंदर बहुत सिंपल है सिंपल आपने एक बार फिगर समझ ली उसके बाद तो डेरिवेशन में कुछ बचा ही नहीं है ठीक है फिगर आप सभी को क्लियर हो गई है फिगर हमने कैसे बनाई है स्टेप बाय स्टेप आप फिगर देखना जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो एक एक स्टेप समझ के फिगर को बनाना ठीक है ऐसे नहीं कि हां एक गोला बना दिया दो लाइन खींची है जिस तरीके से बच्चे रटते हैं रटना नहीं है फिजिक्स कभी रट के समझ में नहीं आएगी बेटा ठीक है हमेशा समझो फिजिक्स को व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ईच एंड एवरी पॉइंट चलिए डीई पता चल गया थीटा पता चल गया उठा करके इन दोनों को यहां पुट करते हैं उनका समेशन निकालते, है, निकालते हैं टोटल फील्ड निकालते हैं चलिए पुट करें ओके okay. पुट करते हैं इसको इसकी अब जरूरत नहीं है मुझे डी क्यू की जरूरत है चलिए हटाते हैं इसे ये मेरा डी क्यू की वैल्यू है इसको मैं रख ले रही हूं अभी चलिए क्योंकि डी क्यू मुझे यहां पर पुट करना है, है ना चलिए तो E जो होगा E विल भी इक्वल टू समेशन आपको करना है डीई का डीई डीई की वैल्यू है डी क्यू अपॉन फोर पाई एपसेल स्क्सुअर डी क्यू की वैल्यू और पुट कर देते हैं ये रही डी क्यू की वैल्यू डी क्यू की वैल्यू क्या है Q अपॉन टू पाई ए इंटू डी एल अब इधर साथ में और पुट करिए फोर पाई एप्सल नॉट इधर कौन है साथ में भाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ठीक है ये सारी वैल्यू हो गई ई e की डीई पुट कर दिया दे, देखो डीई में हमारे पास था डी क्यू अपॉन दिस वैल्यू तो ये वैल्यू हमने पुट की और ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई भी डी क्यू की वैल्यू आ गई ठीक है जी okay? चलिए उसके बाद मुझे मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर वन बाय टू और वन पावर देखिए यहां पहले से यहां वन पावर पहले से वन बाय टू वो हो गई टोटल कितनी हो गई थ्री बाय टू ठीक है समझ में आ गई बात चलिए अब हटाइए इन सबका कोई काम नहीं है मुझे सिर्फ अब इस, इसको सॉल्व करना है एंड वी विल सी इट ठीक है किसी ने अगर कॉस थीटा ये ई डी की वैल्यू नहीं लिखी थी तो प्लीज एक बार उसको वीडियो को पॉज करके लिख लेना ठीक है चलिए जी तो ई e आपके पास आ गया यहाँ से देखिए क्या क्या हम कर सकते हैं जो चीज कॉमन है उन्हें कॉमन निकालिए मिस कांस्टेंट है जिसको कोई समेशन वमेशन नहीं करना है हमें उन्हें बाहर करते हैं एंड चलिए बाहर निकालते हैं क्यू को बाहर निकालिए आर को भी बाहर निकाल लेते हैं एक बार और हम क्या कर सकते हैं टू पाई ए को बाहर निकाल लेते हैं फोर पाएसल नॉट को रख लेते हैं अल्टीमेटली आप क्या करिए समेशन में तो आपका सिर्फ डीएल आएगा बाकी सब चीजें तो बाहर ही आएंगी ठीक है तो टू पाई ए फोर पाई एप्सल एन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पार आ गई थ्री बाई टू ना वॉट विल बी द समेशन ऑफ डीएल कैन यू थिंक सारे डीएल 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 सब डीएल को जोड़ दोगे क्या बन जाएगा इस सर्कल का सरकम इस रिंग का सरकम ध्यान रखिए जो हमने रिंग कंसिडर किया उसकी थिकनेस जो नेग्लिजिबल मान के चले हम ठीक है तो ये जो हमारे इसका सरकम और सरकम क्या है इसका टू पाई ए तो पुट करिए क्यू आर डिवाइडेड बाय टू पाई ए इंटू पाई एप्सल नॉट R A square, और ऊपर इसकी वैल्यू क्या आ गई टू पाई ए कैंसिल हो गया भाई टू पाई ए से टू पाई ठीक है टू पाई से टू पाई कैंसिल हो गया हमारे पास फाइनली बचा क्या क्यू आर डिवाइडेड बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिस इज आर फाइनल आंसर दिस इज आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग एक्सिस ऑफ एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग यहां से अब आप कुछ केसेस कर सकते हैं सबसे पहले सबसे पहले केस देखिए आप क्या सोच सकते हैं इफ 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 ये पॉइंट पी जो है उठा इसके सेंटर पे रख दीजिए मीन इफ पॉइंट पी लाइज एट द सेंटर ऑफ द रिंग वॉट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन यू टेल यस ईजीली अगर ये पी पॉइंट आकर के यहां लाई करेगा तो बेटा आर तो खत्म हो गया ना आर खत्म हो गया आर खत्म हो गया तो आर की वैल्यू जीरो हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो गई खत्म हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इफ पहला केस क्या है भाई पहला केस मैंने कंसिडर किया कि पी एट द सेंटर पी अगर सेंटर पे लाई करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो क्यों जीरो हो जाएगी क्योंकि P उठा के हमने यहां रखा तो R खत्म R खत्म R की वैल्यू जीरो R जीरो तो ई जीरो समझ में आ गई बात ठीक है दूसरा आप क्या कंसीडर कर सकते हैं दूसरी चीज अगर ए की वैल्यू आर से बहुत कम हो देखिए देखिए ए का कम होने का मतलब समझ रहे हैं ये रिंग हमारा छोटा हो रहा हो रहा है हो रहा है हो रहा है छोटा होकर ये क्या बन गया एक पॉइंट बन गया एक पॉइंट

आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पावर थी हमारे थ्री बाई टू थी पावर कितनी थी भाई हमारे पास हाफ थ्री बाई टू यस थ्री बाई टू थी ठीक ठीक है सो थ्री बाय टू तो ए तो हमारा कैंसिल हो गया ए हमारा कैंसिल हो गया तो हमारे पास मैंने क्या बोला है मैंने कंडीशन ली है कि ए जो है हमारा आर से बहुत कम है मैंने बताया ए कम है तो ये छोटा होता 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 एक रिंग बन गया छोटा छोटा सा रिंग बहुत छोटा सा रिंग ऐसा रिंग जिसको हम एक पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं ठीक है चलिए तो ये ए गया ए गया तो हमारे पास कौन बचा क्यू आर बाय फोर पाया नॉट आर स्क्वायर और इधर आ गई थ्री बाय टू तो ये हो गई आर क्यूब ये कैंसिल हो गया हमारे पास बचा आर स्क्वायर देखिए जरा आंसर क्या आ रहा है देखिए जरा क्या आंसर आ गया आपका जो यहां पर आंसर निकल के आ रहा है बेटा आप देखिए ये जो आंसर आपका निकल के आया इफ यू सी आपका आंसर है ई इज इक्वल टू क्यू बाय फोर पायसल नॉट और यहां पर बचा है आर स्क्वायर क्या ये के क्यू बाय आर स्क्वायर नहीं है है या नहीं बिल्कुल है केक्यू बाय आर स्क्वायर और हमें पता है कि केक्यू बाय आर स्क्वायर कब होता है जो एक पॉइंट चार्ज की वजह से मतलब जब हमारा रेडियस किसी भी रिंग का रेडियस उसकी उस एक्सेल डिस्टेंस से बहुत बहुत ज्यादा कम हो जाए तो हमारी वो रिंग जो है एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करती है और अगर वो पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रही है तभी तो हमारा आंसर पॉइंट चार्ज वाला आ रहा है बात समझें तो ये हमारा कंक्लूजन इससे निकल के आया कि अगर कोई भी एक रिंग एक रिंग उसका रेडियस बहुत ज्यादा कम हो उसकी एक्सिस वाली लेंथ से अगर बहुत कम हो तो वो जो हमारी रिंग है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगी बात समझ में आई ठीक है क्लियर हुआ सभी को चलिए जी तो ये एक टॉपिक था जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले पार्ट में बचा हुआ था तो दिस इज डन नाउ नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट